कौन है बताने तो दो, कुछ लीक होने वाला है भाई, लीक तो तू पहले पकड़ रहे हो। नहीं आप मेरी मर्जी थी, अब किसी और की मरेगी, बस इतना ही बोल सकते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो वी विल बी स्टार्टिंग अ व्लॉग विद द 700 इन द सेम इंटेंसिटी। आप में से बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि मैं एक प्रॉपर व्लॉग डाल रहा हूँ, प्रॉपर व्लॉग अभी भी नहीं आ रहे मेरे चैनल पे। अभी जस्ट जिस टाइप का कॉन्टेंट हम लोग एक दीवार के आगे बना सकते हैं उतना हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बनाए, सो दैट कि एटलीस्ट कॉन्टेंट जाता रहे, आप लोगों को हमारा जो बेस्ट कंटेंट है अभी जो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं वो दे। हम गिव अप नहीं कर रहे, अगर गिव अप करना होता तो भाई 15 दिन पूरा खाली बैठता ऐश कर। तो देखो बात तो ऐसी है ना, पहले कभी गिव अप करा ना अभी करेंगे ना आने वाले टाइम पे करेंगे। जो बेस्ट है हमारे पास वो हम आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मेनी ऑफ यू आर एक्सेप्टिंग इट एंड मजा भी आ रहा है कॉन्टेंट बनाने। ऐसे नहीं है की एंड यस अवर कार इज बैक, समझ रहे हो कौन आ गया वापस, और वन एंड ओनली द लेजेंडरी उछलू इज बैक। भाई इसको देख के ऐसा लगता है कि भाई कितना पॉजिटिव बंदा है ये। तू यार किससे मिलने आ रहा है भाई? इसको मिलना है। अच्छा हाँ, कमिश्नर को मिलना जी पावर ओपन द चैट बॉयज। सो दिस इज व्हाट आई हैव शॉट, आप लोग देख लीजिए। हम लोगों ने बहुत मस्ती करी है, ये Q&A नहीं बोलूंगा, इसमें नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुई थी। टिपिकली अवर फर्स्ट Q&A इन अवर एसएटीएल गेमिंग हाउस 2.0 टिपिकली। देखिए सो इट्स करंटली 21st ऑफ मार्च, संडे है आज, और संडे को मैं जाऊंगा अपने बाल कटवाने के लिए। लास्ट वाले गेमिंग हाउस में हम लोगों ने बाल कटवाए थे, बट आफ्टर कमिंग हियर मेरे को लगा कि भाई अब बाल वाल थोड़े से बड़े हो गए हैं तो इसको काट दिया जाए। बार बार ढूंढना इतना आसान नहीं है, और मेरे बाल तो बहुत मुश्किल है काटना, एंड इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ पर्सनल बार्बर रादर देन गोइंग टू रैंडम सैलून। उसके बाद एक्सपेक्ट करना भाई अच्छे बाल काट देना, मैं घंटा काटेगा वो ऐसे अच्छे बाल, वो पर्सनल बार्बर होना जो जिससे आप हमेशा कटवाते हो उसी से होता है। सो फाइनली आई जस्ट गॉट वन सैलून सैनिटाइजेशन होती सही है भाई, फुल बॉडी सैनिटाइज कर रहा है, माय हैंड्स आर क्लीन। बढ़िया काट दे भाई, लाइक मेरे को एक मतलब ओवर द एक्सपेक्टेशन, लाइक ऐसे मेरे कटते भी नहीं है, बहुत बढ़िया हेयर कट है। अब सब मैं यहीं पे आऊँगा। सो गाइस रेट दिस हेयर कट आउट ऑफ 10। हमारे लिए कुछ नया करना मतलब हमारा सेम रूटीन फॉलो करना जो कि हम कभी करते नहीं, हमेशा कुछ नया करते हैं, दैट्स व्हाट वी डू। जिन लोगों को समझ आ गया, बाय Q&A। So guys, हमारे जो लड़के थे वो सारे के सारे बैक बेंचर्स है एक नंबर के, और ये शूट कंटिन्यू हो रहा है डे नंबर 2 में। ये देखो इनका खा पी के आया, दाल लगी पड़ी है। अरे बच्चों 60-70 हज़ार रुपए का वो ऐसे ही, वो ये तो हम्बलनेस है वो उसकी। 500-600 डॉलर बोला है। हाँ दिस इज गुड। सो हमारा सेकंड ड्रॉप रेडी है बिल्कुल। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मांबा से। सुनो लर्निंग का तुम्हें पता भी है क्या है, किसको एप्लीकेशन यूज करता है, स्पेलिंग बताइए। उसमें आजकल फ्रेंच सीख रहा हूँ, अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखना है तो सीखो डुओलिंगो में, यू कैन लर्न इट ओवर देयर। मेरे को तो आती है इंग्लिश, आती है, किटी पार्टी में बहुत जरूरत पड़ती है। अरे मैं वहाँ पे फागे का ना, I have 3 gardens and 4 bungalows and 1 kitchen in kitchen kitchen cool बनना ना एकदम cool तुम्हारे साथ bungalows guys bungalows नहीं वो जो बहुत दरवाजे हो फागे का बोलेगा। I have 1 kitchen, in this kitchen I have 3 sandasi। हम तो चले मूतने, और ऊपर से एप्लीकेशन भी फ्री, अगर आप लोग प्ले स्टोर में जाओगे तो डायरेक्ट आप लोगों को Duolingo लर्न इंग्लिश फ्री करके एप्लीकेशन मिलेगा, इसको आप लोग ओपन करिए। मेरे को है ना वो कोरियन आती है, कोरियन आती है क्या? थोड़ी आती है। क्या आती है? थम्सअप मिला। क्या थम्सअप मिला? इसका मतलब पीना है क्या? होता है थम्सअप मिला। अच्छा मेरे को थम्सअप पीना है। इसका मतलब इसका मतलब पता क्या होता है? हेलो दिशा कैसी हो? किसी लड़की को जाके बोल थम्स अप मिला क्या होता है? आई लव यू। तुम इसको बोल रहा है ना? तू इसको नहीं, बोला बोला नहीं। इसको बोलना चाहता है मतलब इसको बोलना चाहता है। आंटी को क्यों बोलूंगा? बता रहा हूं उससे पहले तेरे को फ्रेंच किस सिखाएगा। थोड़ा सा काम का बात कर लो भाई, थोड़ा सीख भी लो। ठीक है सिखाओ। पहले तो ये बताओ इसका प्ले स्टोर में रेटिंग कितना है? हम हर बार ऐसे नहीं जाए, इसका प्ले स्टोर में रेटिंग 4.7 रेटिंग है, 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है इसमें, डाउनलोड नहीं करेगा चुपचाप। इंग्लिश सीख रहा है तुम्हें, ठीक है?
गुरु 100 मिलियन पता कितने होते हैं? कितने दिन होते हैं? 100 मिलियन कितने होते हैं? कितने दिन होते हैं? मैंने बताया पूछा मैंने अच्छा मैंने बच क्यों रहा है जब आंसर नहीं पता आंसर नहीं पता तो बच क्या है सुनो सुनो हमने YouTube पे 100 मिलियन देख रखा है तुमने नहीं देखा अभी तक 100 मिलियन तुमने देखा हो गया चैनल का 100 मिलियन हो गया और 100 ओ भाई तू बेइज्जती कर रहा है 100 मिलियन क्या हुआ व्यूज तो क्या करूं उसका अबे रुको ये देखते हैं 100 मिलियन थोड़ी हुआ अबे चुप रहो 100 मिलियन कितना होता है 110 तो 1 बिलियन 10 करोड़ 110 तो 1 बिलियन 1 बिलियन के क्लोज पहुंच रहा है क्यों बज रहा है मार्टिन बिल्कुल ऑफ टॉपिक बजता है वही तो सब आप लोगों को स्टार्टिंग से ट्यूटोरियल देंगे कि अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है तो आप किस तरीके से आगे प्रोसीड कर सकते हो तो गेट स्टार्टेड अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है तो आप यहाँ पे टैप ऑन कर सकते हैं मुझे तो इंग्लिश आती है भाई अबे तू फ्रेंच स्पेनिश जर्मन अगर तेरे को जो भी जापानीज चाइनीज व्हाटएवर इट इज तेरे को जो भी सीखना है तो सब सीख ले तेरे को इंग्लिश भी ढंग से नहीं आता हां भाई नहीं चलो ठीक है फ्रेंच में कर सो फ्रेंच कर ठीक है तुम इंग्लिश लगाओ तुमको व्हाई आर यू लर्निंग ए लैंग्वेज सो नीचे अगर आप लोगों को कल्चर स्कूल ब्रेन ट्रेनिंग ट्रैवल जॉब अपॉर्चुनिटीज फैमिली फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कोई भी कैटेगरी चूज करनी है तो आप कर सकते हो हम लोग करेंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स ठीक है चलो 10 मिनट्स अ डे 10 मिनट अगर आप मान लो कि आप कहीं जा रहे हो बस में बैठे हुए हो या तो फिर कोई लाइन में लगे हुए हो या तो फिर अगर आप लोग सुबह तू जो करता है ना सुबह ऐसे बैठ के कमोड पे उस टाइम भी 10 मिनट तो अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं फोन नहीं लेके जाता अक्षु लेके जाता है पिकाचू तेरा फोन अक्षु लेके जाता है विच ऑफ दीज इज द मैन वैसे ये भी लग रहा है सिद्धार्थ जी लग रहे हैं आई होम हम तो चले मूतने अभी मामा गोवा भी गए थे गर्लफ्रेंड्स का रीच बहुत दूर हाउ डू यू से कैट चैट कितना नाक है ऊन तेरे पास कितना कान है दुई और क्या वो अभी तक आया ही नहीं हमको वही कह रहा ना सुबह जब तू उन को किसी ऊपर बिठाता है तुम्हारा जी को तभी तुम उन करते तब ये कर सकते हो मामा फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आजकल तो नीचे वाला दिखा रहा है मामा ने फुल वैक्स कराया गाइस मुश्किल से एक जोक मारा है प्लीज लाइक कर दिएगा ब्लॉग इधर निकलता है नीचे इधर निकलता है मामा यहाँ पे ही वैक्स करता है बस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और कहीं और तो नहीं करते आंटी बजी है सुन तो वो भी तो बोला है पहले क्या बोला पहले तुमने भी चढ़ गया बोला इधर नहीं निकलता इधर निकलता गया बस कैसा लग रहा है पहले आके और उस वाले गेमिंग हाउस में क्या अच्छा था उस वाला गेमिंग हाउस में ये अच्छा था कि वो जगह छोटी थी तो सब लोग करीब करीब रहते थे ना चाहते हुए भी तो नए वाले गेमिंग हाउस में ये अच्छी बात है कि इतनी जगह है इतनी स्पेस है कि उसमें काम करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये मतलब अच्छा लगता है एक और अच्छी चीज़ ये है कि जैसे मामा बोला छोटी जगह है तो फिर उस टाइम पे पता है हम लोग को मान लो कि अपनी जगह से निकले तो किसी और से मिल जाते थे बट अब इतनी स्पेस है कि तुम अपना काम करके हटोगे तो तुम्हें थोड़ा सा चलना पड़ेगा थोड़ा सा अपने रूम में जाना पड़ेगा कहीं तुम्हें पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे सभा बैठी पहली बार अगला मेरे को लग रहा है ग्रुप बनाना पड़ेगा जहाँ पे सभा बैठी वहाँ पे दिस रूम और दिस रूम का मतलब समझ लो कि कुछ हिंट दे दिया मैंने चलो सब बढ़िया चल रहा है यस आई एम फाइन हाउ आर यू आई एम गुड ब्रो अमन के लिए एक छोटा सा ट्विस्ट है आई एम गोना आंसर इन इंग्लिश ब्रो यस आई एम मम्मी से अच्छा तो मत ही बोल तू हिंदी में काम चला क्या माँ बहन नो माँ बहन आई एम नो मम्मी सिस्टर चल रही है नो तुम हिंदी में काम चला माय इंग्लिश इज वेरी गुड
मेरे को पता है भाई, सब लोग इंग्लिश जो बोलता है उसकी इज्जत ज्यादा करते हैं, हम भी बोलेंगे। वैसे बात तो है मेरे को, जब अगर इंडिया में जॉब लेने जाता ना तेरे को, अगर तू इंग्लिश स्पीकर है भाई, तेरे को 30% ज्यादा सैलरी मिलता है। देखो पता है सीन है, अमन को इसलिए 30% लेस मिलता है। अरे बट एक बात है, देखो हिंदी बोलना प्राउड है, बट इंग्लिश एक फैक्ट है कि इंडिया में मान लो कि अगर तुम जाते हो लेने के लिए तो 30% एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। बट उसी के साथ साथ बट इस कुछ लोग हमारा गेम में सीबे आज सुबह चट्टी सिखा दो के लिए बीबी सब कुछ जोड़े ये गंदी सी बातें करता। अच्छा हमें गेमिंग हाउस में या ऐसे ट्यूएल या तो पबजी या तो फिर कॉलेज लाइफ से पहले कोई प्यार था क्या तुम्हारा? ये क्या सवाल है, क्रश था? क्या क्रश था किसी के ऊपर को प्यार? वो सब हम नहीं बताए भाई। क्या लड़कियां होंगी पढ़ने आती होंगी, हम बैक बेंचर्स थे, सब आगे बैठा थे सबके निकले हुए। क्विक क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है? चलो वन वर्ड आंसर देना है तेरे को, ठीक है? सबसे ज्यादा कौन खाता है गिविंग हाउस में? मैं खाता हूँ, मेरा नाम लो। तुम हमने का नाम लिया, अब तेरे को क्या लगता है? चल मैं अपना नाम लेता हूँ। सबसे ज्यादा सोता कौन है? अक्षु। सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है? वो वाले नंबर इसके पास जाना। सबसे ज्यादा आलसी कौन है जो मतलब सोने की बातें करता है? सोने की बातें हम। सबसे ज्यादा काम चोरी कौन करता है? काम चोरी मामा। बाहर का खाना कौन खाता है? अंदर गया अभी जस्ट, अनिमेश एके इत्था। गेमिंग हाउस से रिलेटेड कोई भी हिंट दे। गेमिंग हाउस से रिलेटेड कोई भी हिंट, चारों तरफ दीवारें दीवारें 18 मिनट का वीडियो बने, इसको पता नहीं मैं काटूंगा कैसे। बाय, ये देख लो भाई टांगे मामा की, मामा की टांगे। और ये देख लो डुओलिंगो पे खेलेगा कल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो दिस विल बी अवर फ्रेम। 1 2 3 माइक चेक। हेलो, ये डिओड्रेंट किसका है रे? 18 प्लस हो जाएगा। गाइस हमारे यहाँ पे दादाजी आए हैं कल, सो दादाजी के चश्मे हमारे। गेस इन द कमेंट सेक्शन किसके चश्मे हैं। सो गाइस वेलकम टू आवर Q&A गेमिंग हाउस 2.0। सबसे पहला Q&A हमारा, और यहाँ पे हमारे पहले ग्रुप में जो बंदे आ रहे हैं उनका नाम है मर्सी। सो अवर केला इज ओवर हियर, वेलकम केला। हाय, हाउ आर यू डूइंग? बहुत बैड। चलो बाय। He's from Delhi, right? कहाँ बाय करे? और हमारे सेकंड कंटेंडर है मॉर्टल। क्या हुआ? Oh, let's go. हमारे 6 million is over here, 6.4. और हमारे अगले कंटेंडर है, थोड़ा सा मॉर्टल आप उधर खिसक जाइए, हम सेंटर बैठेंगे। None other than Pochi. Gucci is over here. The Gucci guy. ये मैं बैठूंगा। नहीं, please. हम मांग के लिए क्या अंदर से? अब Pochi तुम थोड़ा इधर के रख के समझो। Okay. Rebel नहीं है। कौन है? आदि। फोटोग्राफर वर्सेस क्रिएटर है क्या? MDJT का कुछ है बोला। लड़की हो रही हो आने दो ना, ये तीसरा वाला थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पुराने गेमिंग हाउस से इधर आने के बाद क्या चेंज देख रहे हो अपने आप, लाइक रूटीन वगैरह में? बिकॉज मैं पर्सनली बहुत लेट उठने लगा हूँ, बट डेली नहाता हूँ, एक पॉजिटिव वो, बट अभी जल्दी उठने लगा हूँ। सफाई ज्यादा है। चलिए पुराने में भी था, लेकिन पुराना वाला बहुत वो था। क्या था? एकदम थोड़ा छोटा था। अच्छा, थोड़ा ये मतलब जब मैं चिल्ला के बुलाना पड़ता तो लोगों को सुनाई भी नहीं। पहले ऐसा होता है कि जब एक बॉटल को सुपर चैट आया था कि हम लोगों को अगर किसी एक बंदे को बुलाना हो ना तो तीसरे बंदे को भेजना पड़ता है या फिर टेलीकॉम सर्विस लगता है। 14 साल का टेक्नोलॉजी की बात कराए, एक थप्पड़ पड़ेगी इसको। मेरा 1 प्लस 1 2
क्या मतलब तुम दोनों का मिला के मेरा एक बनता है। तुम यहाँ पे लेट उठने लगा, मैं देख रहा हूँ भाई 3 बजे उठाया आज ये बंदा। वो एक दिन का बात पक्का 12 बजे उठ जाता है ना। मैं ग्रुप में फट उस नोटिफिकेशन पे उठता था जहाँ तुम लोग लिखता था हेलो एनीवन। 12 बजे उठ के फिर मॉडल सोचता है कि पूरा रात का कंटेंट शूट तो होता है। आज के लिए पता है क्या करता है इसने, व्हाट्सएप पे सिंपल कर दिया है ब्रॉडकास्ट नाम का एक फीचर, बहुत पहले सबको एक ही मैसेज भेजता है। स्काउट का लाल हो गया तो क्या बता दे उसमें रैंडम उसने रैंडम गाइस ने अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लॉक कर दिया। डिसअपॉइंटेड व्हाट रोटेला वॉच। आपको पता है पुराने गेमिंग हाउस से निकलने से पहले मर्सी ने इसको एक लोगो बनाने के लिए दिया था 22 फरवरी को लास्ट डे फॉर डे ऑफ सबमिशन। लोगो बना है काना का जरा ऐसा लोगो ऐसा देख रहा है। पुराने गेमिंग हाउस में जब हम लोग से मिले थे तब का कैसा था और अब कैसा है, क्या चेंज? पुराना गेमिंग हाउस से नया गेमिंग हाउस में सबसे ज्यादा फर्क तो यह है कि सब लोग ऑर्गेनाइज्ड much more organized than the previous house. खासकर खाने के मामले, खाने के मामले तो क्या कपड़ा दोनों के मामले में भाई हमारे यहाँ पे तो खाना बनता है ना आप लोगों को इसकी तरह कूल बनना है ना एकदम कूल। वो तो छोड़ो एक्सप्लोर करना वो तो छोड़ो माधव जात का सेट काफी बड़ा एक्जेक्टली मैं वही बोल रहा था। अब कुछ गाइस शिफ्ट जो हुआ था जात का वो तो है सेट। और मैं यहाँ पे माधव जात का पूरा कास्ट इकट्ठा बिखार बिठा के रखा है एडिटर सिनेमेटोग्राफर और दो है इसलिए तो हमने ग्रुप चूज करा है। अब मेन बात आती है कि अब तुम किस तरीके कंटेंट देने वाले हो। मॉडल वो तो हमें खुद को लिखना है अभी लेकिन इस टाइम का नेक्स्ट टाइम बीजेटी बहुत मजा आएगा। अब अगला सीजन जो है उसका स्टार्टिंग कैसे होगा? ये पहले राइटर का नाम बता दो कौन लिखा है कौन है? रस्ते में मतलब सुनो ये सिर्फ इंप्रोवाइजेशन करता है ये बस इंप्रोवाइजेशन चैलेंज। बट अब बता देते दो कि है क्या अब क्या आने वाला है क्योंकि लास्ट टाइम को मर चुका था। ठीक है ये जो आने वाला है इसका आइडिया कौन दिया था? नमन दिया था मैं दिया था भाई। तुम वापस भाई कर ले बता ले तो दो कुछ लीक होने वाला है भाई लीक तो तू पहले पकड़ रहे हो। उसने अब मेरी मर्जी थी अब किसी और की मरेगी बस इतना ही बोल सकते हैं। इन सब की मौत होने वाली है। So guys, that was वैसे भी आजकल हम बदमाशी करना छोड़ दिए पोकेमोन खेलते हैं। शिकार है मेरे पास राइचू अभी तक उसको इवॉल्व नहीं। रेगाचू को कब इवॉल्व करोगे? रेगा जब आएगा इवॉल्व होके आएगा So guys, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप MDJT कास्ट आप लोगों के सामने उनको करेंगे अभी रफा दफा ताकि हमारा ग्रुप नंबर 2 आ सके। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड यू कैन से बेयरिंग अवर फर्स्ट ग्रुप अभी भी लड़ रहे लड़ते रहेंगे ग्रुप नंबर 2 वेलकम। अंडी वंडी शंडी जिसने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा जी जी पट रही होंगी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस 80 मिनट्स ऑफ वीडियो टिल हियर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मेक श्योर द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन। आई नो थोड़ा सा कंजेस्टेड जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला कि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस राइट नाउ बट ट्रस्ट मी इट इज कमिंग सून। वीडियो आने वाला है जल्दी 2nd or 3rd of April को अप्रॉक्सीमेटली। वी आर एक्सपेक्टिंग कि वीडियो लाइव हो जाएगा गेमिंग हाउस के चैनल पे ऐसे ट्यूबल वाले चैनल पे हमारे। बट येस द काइंड ऑफ लव यू आर शोइंग इज इमेंस। थैंक यू जिन लोगों ने अभी तक सपोर्ट करा और जो लोग अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू गाइज। आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। कल भी एक व्लॉग आने वाला है सो मस्त एक व्लॉग बनने वाला है। बाहर जाएंगे हम लोग गेमिंग हाउस में शूट नहीं करेंगे। मैं अमन और माफिया मोस्ट प्रोबेबली जाने वाले डे आउट काइंड ऑफ मजा आएगा कल। ख्याल रखिएगा अपना एज ऑलवेज बाय टेक केयर पीस स्टे आउट बाय। केमिस्ट्री में भी मेरे को सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे गंदा। अच्छा अरे पूरा रट्टू तो बता उसके अंदर कार्बन बताइए क्या होता है कार्बन? कार्बन सी क्या है आज क्या पूछ रहा है? कार्बन होता क्या है? एलिमेंट है ये 10वीं क्लास के भाई क्या बच्चा है यार ये 10वीं क्लास कब पढ़ी है तुमने?